बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, खुशामदीद कहते हैं आपको अपने आज के व्लॉग में। सुबह सुबह दोबारा से खेतों में, क्योंकि हमारे गांव के दूसरी साइड पे जो खेत थे उनको पानी लगाने वाला बाकी था। साद भाई, क्या रहा साद? साद की हेल्प की है सुबह सुबह पीटर चलाने में। आपने देखा काफ़ी सारी मेहनत करनी पड़ती है सुबह सुबह, खासतौर पर सर्दियों के मौसम में जब पीटर को स्टार्ट किया जाता है तो इस तरह के टोटके लड़ाने पड़ते हैं। तो आज इसको भी आगे लगाई है हमने। अब खैर चलते हैं, खाल सीधा करना है इस खेत का, वो आपको दिखाते हैं कि किस किस किस्म की हर्डल्स हैं यहाँ पे हमारे लिए खेतों में। भाई मुबारक आ चुके हैं, तो चलें भाई मुबारक। ठंड तो नहीं लग रही? अगर ठंड लग रही है तो हम आपकी ठंड दूर करवाते हैं। खेतों में किसी के साथ जो है सबसे ज्यादा जल्दी ठंड दूर होती है कि नहीं? आग से ज्यादा जल्दी। चलते हैं, ठंड भगाते हैं और काम भी साथ में निपटाते हैं। और हमारे इन खेतों की जो मिट्टी है वो थोड़ी ज्यादा चिकनी है, काफी मेहनत चाहिए होती है इस काम के लिए और काफी जल्दी थकाती है ये बंदे को। टाइम 11 का हो चुका है लेकिन धुंध जो साइडों पे आपको नजर आ ही रही है, मौसम काफ़ी ठंडा है लेकिन कस्सी चलाते हुए बिल्कुल भी ठंड फील नहीं होती। तो ठंड भगाने का ये भी एक तरीका है। अगर आपको ठंड लग रही है तो मोस्ट वेलकम, खेतों में हमारा भी काफ़ी काम बाकी है। खेत में पानी जो है वो पहुंचा दिए और साथ वाले खेत में पानी लगना था, खाल बिजी है, हमें फिर इंतज़ार करना पड़ेगा नेक्स्ट अपनी बारी का। खैर ये खाल बनाते बनाते और काम करवाते करवाते ये हालत हो गई है कपड़ों की। और अब प्रोग्राम ये है कि जाते हैं फार्म हाउस पे, एक बोर करवाना है नलके का असद के लिए, तो वो नलका जो लगवाने के लिए सामान जो चाहिए बाज़ार से वो ख़रीदते हैं और वो पहुँचाते हैं फार्म हाउस पर, और उसके बाद इंशाल्लाह बोर जो है वो शुरू करते हैं। बाइक और ये देखो जी यहाँ पे निज़ाम बना है। पहले तो प्रोग्राम था कि पाइप सीधे ऊपर से रास्ते से गुजार के चलाते हैं पानी, लेकिन मोटरसाइकिल गुजरने की वजह से यहाँ से पाइप जो है वो फट गया, इस वजह से ये सारा तरद्दुद करना पड़ा क्योंकि यहाँ पे पहले पाइप था और अब पाइप भी टूट चुका है। इसी तरह काम चल रहा है। अब निकलते हैं फार्म हाउस पे, उठाते हैं सामान टाउन से और उसके बाद वो बचाते हैं सबसे पहले फार्म हाउस पे, क्योंकि जो बोर करवाना है उसके लिए तो हमें किसी मिस्त्री की ज़रूरत पड़ेगी, बोर करने वाले की, वो पता नहीं कब टाइम देता है, लेकिन हमें सामान जो है वो उससे पहले पहुँचाना है। एक डिफरेंट गांव से डिफरेंट रास्ता, क्योंकि टाउन हम पहुंच गए हैं और ये हार्डवेयर की दुकान जहां से हमने खरीदना है सामान। टाइम 2 का होने वाला और अब जाके सूरज का हल्का सा नज़ारा नजर आया बादलों की ओर से, काफी ठंडा मौसम आज भी। ये निकलना शुरू हो गया जी सामान, फिल्टर प्लस नॉल, पाइप के अलावा ये फिल्टर की जाली एंड फिल्टर का नोक, सॉल्यूशन और ये बन रहा है बिल हमारा, जिन्ना का मुनासिब हो सकता है अंदर गुंजाइश करके फुल। और ये आ गई नलके की मशीन, बोकी की था की मकसद पानी पानी स्टार बॉल काम करता है। ये बन गया जी हमारा फिल्टर, सिर्फ एक नलके का सामान हमारा हो गया मुकम्मल, अब निकलते हैं फार्म हाउस। अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच गए हैं हम जंगल में और अब सामान जल्दी जल्दी रखते जाके फार्म हाउस पे, और ढूंढते हैं बंदा जो कि करेगा बोर। रास्ता देखें माशाल्लाह कितना प्यारा है जी, कोई बारिश नहीं हुई, ये सिर्फ धुंध की वजह से जो है वो नीचे पड़ी हुई है कतरे ओस वगैरह, और उस वजह से यूँ लग रहा है कि जैसे बारिश हुई है कहीं ताज़ा। वैसे अल्लाह करे कि बारिश हो ही जाए।
सामान लेके हम पहुंच गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह फार्म हाउस पे, सामान रखते हैं। और यहाँ पे मजे की बात यह है कि अबू जान भी जा चुके हैं घर, अब सामान कहीं कोने खुदरे में छुपाना पड़ेगा, मगर सामान यहाँ पे रखे फिर निकलते हैं इंशाल्लाह, ढूंढते हैं बंदे को जिससे करवाना है बोर। बोर के जो प्लास्टिक के पाइप थे वो हमने दरवाजे के नीचे से अंदर घुसा दिए हैं, और जो मशीन थी वो हमने एक और खास जगह पे छुपा दी है, जो अभी आपको नहीं दिखा सकते, जब निकालेंगे तब दिखाएंगे, ये ना हो कि हमारे मुकम्मल करने से पहले बोर वो गायब हो जाए। फिलहाल हमने जाना है और देखना है बोर वाला बंदा वो कहाँ पे मिलता है हमें, तो चले मेरे चले इंशाल्लाह चलते हैं और उसको पता करते हैं। और फार्म हाउस के हमारे नजदीकी गाँव है जहाँ पे बोर करने वाला बंदा ये रास्ता जा रहा है फार्म हाउस से इस तरफ को बोर वाले के गांव में, और ये है वो गांव जंगल के बीचों बीच। बोर वाले के घर पता किया, और बोर वाला जो बंदा कहीं मसरूफ है बोर लेके गया हुआ है सामान, तो अब जिस दिन हम दोबारा आएंगे उस दिन उससे पता कर लेंगे। फार्म हाउस पे जब भी हमारा यहाँ पे चक्कर लगता है तो फिर उसको जो है साथ ही लेके हाथों हाथ बोर करवाएंगे इंशाल्लाह। निकलते हैं अब घर को। रास्ते में आते आते आप नजर आया थोड़ा सा सूरज, और ये एक खेत है गन्ने का जहाँ पे तैयार हो रहा है बिल्कुल फ्रेश गुड़, तो सोचा ये है जाते जाते गुड़ लेते जाएं खाते जाएं, और थोड़ी ठंड भी दूर होगी। ये बिल्कुल फ्रेश गुड़ तैयार हुआ है। एक गल तेन मनने पेगी गुड़ हो गया मुकम्मल तैयार, यहाँ पे डिवीजन के बाद इसको जो है तकसीम किया जाएगा। दवाई पिया त्रे चार दिन लाखों पट्टे के गुड़ खा के खुद और हम साथ भी ले आए हैं, असब को भी टेस्ट करवाते हैं। असब खाए जरा फ्रेश गुड़ गर्मा गर्म, वो पेशियों वाला गुड़ लगा है, पेशियों वाला है जी, बहुत मज़ेदार बिल्कुल फ्रेश खाने का जो है वो अपने एक टेस्ट है। आजकल गर्म भी आई है, गर्म आता है जो बनता था गर्म होता है, गन्ने के रस को गर्म करके ही गुड़ बनाया जाता है। और ठंड काफ़ी ज़्यादा है और लाइट भी चली गई हुई है, अब जल्दी जल्दी यहाँ करते हैं वीडियो एडिट, अपने ब्लॉग को यहाँ पे एंड करते हैं, आपसे चाहते हैं इजाज़त, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, और जो दोस्त हमारे चैनल पर न्यू आ रहे हैं जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक फौरन पहुँचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।